नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। मीराबाई चानू, इन्होंने मेडल जीत लिया है। मीराबाई चानू ने इतिहास रचते हुए भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल दिलाया है। भारत के लिए गर्व की बात है और भारत का टोक्यो ओलंपिक में इसी मेडल के साथ खाता भी खुल गया। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद बयान दिया है। ताज़ा बयान उन्होंने इंडिया टुडे को दिया है और एक्सक्लूसिव बात करते हुए मीराबाई चानू ने अपनी खुशी जाहिर की है। मीराबाई चानू ने बताया कि उनकी जो मेहनत थी वो आखिरकार रंग लाई है और रंग चांदी की लाई है। मीराबाई चानू ने इस इंटरव्यू में कहा, फाइनली हम जीत गए। 4 नहीं 5 सालों की मेहनत रंग लाई है और मैं बहुत खुश हूँ। बता नहीं सकती, मैं अपने सपोर्ट स्टाफ, कोच और फैंस सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने जो भी कुर्बानी दी थी आज वो सफल हो गया और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आपको बता दें, मीराबाई चानू ने पहली बार ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 49 किलो वर्ग में मीराबाई चानू ने हिस्सा लिया था और सभी की उम्मीदों पर खरी उतरी। मीराबाई चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में मिलाकर कुल 202 किलोग्राम वजन उठाया और चीन की गोल्ड मेडल विजेता हो जी हुई के 210 किलो के ओलंपिक रिकॉर्ड वजन से सिर्फ 8 किलो की दूरी पर रही। गौर हो, रियो ओलंपिक मीराबाई चानू के लिए निराशाजनक रहा था। मीराबाई चानू रियो ओलंपिक में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में उतरी थी, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद मीरा काफ़ी समय तक डिप्रेशन में रही थी। हालांकि अगले ही साल उन्होंने शानदार वापसी की और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया। इसके बाद मीराबाई चानू ने IWF की रैंकिंग में सूची के आधार पर कोटा हासिल किया। बताते चले कि रियो ओलंपिक के बाद ये उनका दूसरा ओलंपिक था जिसमें मीराबाई चानू ने भारत की झोली में एक सिल्वर मेडल डाल दिया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।